हाय फ्रेंड्स, आज जो है मैं बात करने वाला हूँ डेलीगेशन टूल के बारे में। तो डेलीगेशन टूल क्या होता है और ये किस तरीके से काम करता है? तो डेलीगेशन टूल क्या होता है, आपको अपने स्टाफ को कोई भी काम देना है तो आप क्या करते हो, उनको वर्बली कोई भी काम जो है असाइन कर देते हो और आप फिर जो है उसका फॉलोअप भी आप ही करते रहते हो। तो वो काम जो है होता है नहीं होता, उसकी कोई जो है प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं होती और आपका जो है उसमें काफी टाइम जो है वो वेस्टेज होता है। तो उसके लिए जो है मैं एक टूल लेके आया हूँ, मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो बना रखा है, ये जो है उसका लेटेस्ट वर्जन है। तो इसके ऊपर जो अपन आज डिस्कस करेंगे, तो इस डैशबोर्ड के अंदर जो है ये एमडी का डैशबोर्ड है, इस डैशबोर्ड के अंदर जो एमडी जो है 10 मिनट के अंदर जो है अपने स्टाफ का जो है रिव्यू कर सकता है। तो ये कैसे करते हैं, तो यहाँ पे जो है आपने जो भी काम असाइन किया है उसका स्टेटस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे अपने को देखने को मिलेगा कि यहाँ पे आपने जो भी काम दिए हैं वो 34 तो जो है वो ओवरड्यू हो चुके हैं, 20 कंप्लीटेड है, 2 उसमें से पेंडिंग है, 3 जो है वो ऐसे काम है जिसमें उसने रिविजन ली है। उसके अलावा आप यहाँ पे स्टेटस भी देख सकते हो, ग्रीन जोन में कितने हैं, येलो जोन में कितने हैं और रेड जोन में कितने हैं। ये सारा जो है अपन अपन डिस्कस करने वाले हैं, जोन किस तरीके से डिवाइड मैंने कर रखी है। साथ में यहाँ पे आप जो है स्टेटस देखोगे कि किस कितने जो है परसेंटेज जो है वो काम किस स्टेटस में पड़े हुए हैं, यहाँ पे आप प्रायोरिटी के हिसाब से देखोगे और यहाँ पे जो है आपको यूजर का स्कोर भी दिख जाएगा साथ में ही कि वो जो है कौन यूजर जो है कैसे परफॉर्म कर रहा है। और साथ में आपको जो है आपने जो भी काम असाइन किया है वो सारी की सारी डिटेल जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। आप यहाँ पे जो है फिल्टर करके भी देख सकते हो, किसी भी टास्क को आपको स्पेसिफिक टास्क देखनी है आप यहाँ से जो है फिल्टर करके भी स्पेसिफिक टास्क जो है वो देख सकते हैं। साथ में जो है आप स्टेटस देखना चाहते हो तो स्टेटस भी देख सकते हैं। तो ये मैंने टास्क को फिल्टर किया, अभी आपको स्टेटस के हिसाब से फिल्टर करना है कि ये जो 2 टास्क है वो कौन से पेंडिंग है, मेरे को ये देखना है। तो आप यहाँ पे जो है स्टेटस पेंडिंग पे सिलेक्ट करके और आप यहाँ पे जो है 2 टास्क कौन सी है वो यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो टास्क है एक इसकी है और एक इसकी है। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पे स्टेटस देख सकते हो, बाकी पूरा का पूरा जो डेटा है वो आपको यहाँ पे इस तरीके से देखने को मिलेगा। अगर कोई भी जो है दूर अपना वो डॉक्यूमेंट अपलोड करेगा तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट भी मिलेंगे और उसका स्टेटस जो है वो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। तो अब जो है आप काम कैसे असाइन करोगे वो अपन डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने आपको एक गूगल फॉर्म दिया है, इस गूगल फॉर्म में आपको क्या करना है, आपको अपना नाम चूज करना है। अगर आप एमडी 2-3 है तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन में 2-3 नाम आ जाएंगे, अगर 1 है तो 1 नाम आ जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे डोर का नाम सेलेक्ट करना है कि आपने यहाँ पे डोर का नाम सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे जो है आपकी टास्क जो है वो किस रिलेटेड है, कौन सी कैटेगरी की है, तो वो यहाँ पे आप चूज कर सकते हो। जैसे कि मेरे को यहाँ पे कैटेगरी चूज करनी है हाउसकीपिंग। अब आपको यहाँ पे जो है उसका पूरा डिस्क्रिप्शन डाल दो कि आपको जो है हाउसकीपिंग से रिलेटेड क्या काम करवाना है। अभी मैंने यहाँ पे डेमो डाल दिया है। फिर आप उसकी टारगेट डेट भी दे दो कि आपको जो है ये काम कब तक कंप्लीट करके चाहिए और इसकी प्रायोरिटी भी चूज करो कि हाई प्रायोरिटी वाला है लो प्रायोरिटी वाला है। अगर कोई ऑडिटर आ रहा है तो आपको उसको हाई प्रायोरिटी पे करवाना है तो आप उस तरीके से चूज कर सकते हो। तो यहाँ पे 3 प्रायोरिटी आपको मिलेगी, हाई, मीडियम और लो। उसके बाद में उसी पर्सन को आपको कोई दूसरा काम देना है तो आप दूसरा काम असाइन कर सकते हो, नहीं तो आप जो है इसको ब्लैंक छोड़ सकते हो। यहाँ पे आपको तीसरा काम दे सकते हो, यहाँ पे फोर्थ काम दे सकते हो, 5 काम दे सकते हो। तो आप जो है 5 काम एक साथ एक दूर को दे सकते हो। उसके बाद में आपको इसको सबमिट कर देना है। यहाँ पे जो है आप जैसे सबमिट करोगे तो आपका जो डेटा है वो यहाँ पे डेटाबेस वाली सीट के अंदर जो है आ जाएगा। पे आपको एक डेटाबेस की सीट मिलेगी, डेटाबेस की सीट में जो है पूरा डेटा आ जाएगा। और साथ में जैसे ही आप जो है किसी को टास्क असाइन करोगे तो उसके व्हाट्सएप पे जो है तुरंत नोटिफिकेशन भी चला जाएगा। वो नोटिफिकेशन कैसे जाएगा, तो मेरी व्हाट्सएप खोल रखा है मैंने, तो यहाँ पे आप देखोगे कि अभी जो है मैंने एक डेमो टास्क भरी थी, तो यहाँ पे जो है साथ में डोर के नंबर पे एक नोटिफिकेशन चला जाएगा कि हेलो श्याम सुंदर, आपको जो है ये 62 नंबर की टास्क आईडी है, आपको इसने असाइन किया है, ये टास्क की कैटेगरी है और ये जो है पूरा टास्क का डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, प्रायोरिटी क्या है वो आ जाएगी, टारगेट डेट आ जाएगी। और साथ में जो है उसको एक अपडेशन लिंक भी मिलेगा, वो इस लिंक पे क्लिक करके वो टास्क को जो है कम्प्लीट भी कर सकता है और अगर उसको जो है कोई रिविजन डेट लेनी है वो भी ले सकता है। तो वो कैसे ले सकता है, यहाँ पे टास्क आईडी उसको रिपीट मिलेगी, इसको उसको चेंज नहीं करना है। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लिखा है इसको जो है उसको चेंज नहीं करना है। यहाँ पे उसको स्टेटस चूज करना है, अगर उसने कंप्लीटेड कर दिया तो कंप्लीटेड करके वो नेक्स्ट कर सकता है। और यहाँ पे उसको अगर कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना है तो डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकता है और अगर उसको कोई रिमार्क देना है तो रिमार्क यहाँ पे दे सकता है। दूसरा हो सकता है कि उसका काम जो है अभी पेंडिंग है, उसको रिविजन लेना है, तो मैं इसको रिविजन में सिलेक्ट करूंगा और मैं यहाँ पे नेक्स्ट करूंगा। यहाँ पे जो है उसने जो फर्स्ट डेट जो है जो एमडी ने दी है वो यहाँ पे भरी हुई आ गई, आगे की डेट उसको लेनी है तो आगे की डेट जो है वो यहाँ पे ले सकता है और यहाँ नेक्स्ट करके और अपना रिमार्क डाल के इसको सबमिट कर देगा। यहाँ पे उसको रिमार्क डालना है तो डाल सकता है और यहाँ पे जो है अपना सबमिट कर देगा, रिविजन डेट यहाँ पे ले सकता है। तो इस तरीके से जो है वो अपना काम जो है कर सकता है। यहाँ पे जो है मैंने रिविजन डेट के यहाँ पे
चार ऑप्शन दिए हैं, तो यहाँ पे जो है फर्स्ट डेट जो है जिस डेट को अगर वो काम करता है तो वो ग्रीन जोन में आएगा, यानी कि फर्स्ट डेट उसको दी, मान लो 26 तारीख को उसको काम मिला और 26 तारीख को ही उसने जो है काम कंप्लीट कर दिया तो वो जो है ग्रीन जोन में आएगा। अगर उसने एक रिविजन डेट ले ली तो फिर जो है येलो जोन में आएगा, और उसके बाद में अगर वो रिविजन डेट लेता है उसके बाद में भी तो वो जो है रेड जोन में आएगा। तो रेड जोन में मैंने तीन कैटेगरी यहाँ पे डिवाइड कर दी है, वो 3 बार जो है रिविजन डेट ले सकता है, लेकिन जो है वो रिविजन डेट लेने के बाद में वो जो है रेड स्कोर में जाएगा। अब यहाँ पे जो है मैंने यहाँ पे जो है उसका स्कोर किस तरीके से निकाला है, तो हर रिविजन डेट पे मैंने उसको 25% उसके मार्क्स कम किए हैं। तो अगर वो फर्स्ट टाइम में कर देता है तो 100% मिलेगा, अगर नेक्स्ट टाइम करता है तो 75, उसके बाद में 50, 25, 0, इस तरीके से जो है मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया है। तो ये जो है ये आपका पूरा पूरा डैशबोर्ड जो है वो उसी डेटाबेस से बना है। यहाँ पे जो है एमडी को डैशबोर्ड इस तरीके से मिलेगा, साथ में जो है डोअर को भी डैशबोर्ड मिलेगा। तो डोअर का डैशबोर्ड किस तरीके से रहेगा, तो आपको जो है यहाँ पे डोअर का डैशबोर्ड मिलेगा, यहाँ पे हर डोअर को जो है अपना अपना डैशबोर्ड मिलेगा। यहाँ पे जो है मैं डोअर का डैशबोर्ड आपको दिखाता हूँ, तो ये जो है जैसे मैंने एमडी का बनाया था वैसे ही जो है डोअर का डैशबोर्ड मिलेगा। डोअर को जो है उसके कितने काम कंप्लीटेड है, कितने उसके पेंडिंग है, रिविजन में है, वो सारे देखने को मिलेगा। येलो में कितने पेंडिंग चल रहे हैं, रेड में कितने पेंडिंग चल रहे हैं, वो यहाँ पे उसको देखने को मिलेगा। साथ में यहाँ पे जो है उसको स्टेटस मिलेगा कंप्लीटेड, और रिविजन में कितने परसेंट काम चल रहे हैं, मीडियम हाई में कितने परसेंट काम चल रहे हैं। साथ में उसको डेट वाइज स्टेटस मिलेगा कि कौन से डेट में उसके कितने टास्क जो है वो आने वाले हैं और कौन से डेट में कितने टास्क उसके जाने वाले हैं। तो ये सारा स्टेटस उसको यहाँ पे मिलेगा। साथ में यहाँ पे उसको एक टेबल मिल जाएगी, और टेबल में साथ में उसको यहाँ पे टास्क अपडेशन करने का लिंक भी मिल जाएगा। यहाँ से जो है वो अपना टास्क जो है कंप्लीट कर सकता है, और यहाँ पे अपना टास्क जो है वो पेंडिंग है तो रिविजन डेट भी ले सकता है। तो यहाँ पे मैंने इसको सबमिट कर दिया, तो यहाँ से जो है वो अपना काम यहाँ पे कंप्लीट भी कर सकता है। तो इस तरीके से साथ में यहाँ पे मैंने उसको फिल्टर दिए हैं, तो उसको कोई टास्क फिल्टर करके देखने हैं, कोई स्टेटस के हिसाब से फिल्टर करके देखना है, तो यहाँ पे जो है वो जैसे एमडी को मैंने सारा फीचर दिए थे वैसे ही मैंने डोर को भी दिए हैं। यहाँ पे जो है वो अपना फिल्टर करके भी देख सकता है। इसी तरीके से मैंने हर डोर के जो है डैशबोर्ड इंडिविजुअल बना के दिए हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे ये दूसरे डोर का डैशबोर्ड है, ये श्याम सुंदर का डैशबोर्ड है, आप इसको देख सकते हो। इस तरीके से मैंने इंडिविजुअली सभी को जो है अपना अपना डैशबोर्ड दिया है, तो सबको जो है अपना अपना खुद का काम ही दिखेगा, दूसरे का काम ना वो देख सकता है और न दूसरे का स्कोर जो है वो देख सकता है। तो इस तरीके से हर डूअर को जो है अपना अलग डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। मैंने यहाँ पे सबके जो है डैशबोर्ड बनाए हैं। तो ये तो एक फीचर हो गया डैशबोर्ड वाला। इस डैशबोर्ड के कोई जो है चार्जेस नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई भी आपको किसी भी थर्ड पार्टी को कोई चार्जेस देने की जरूरत नहीं है। तो डैशबोर्ड जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं है। अब जो है व्हाट्सएप अगर आप करते हो, व्हाट्सएप ऑटोमेशन करते हो, तो व्हाट्सएप ऑटोमेशन का आपको जरूर चार्ज लगेगा। उसका चार्ज जो है वो $20 पर मंथ आपको व्हाट्सएप को देना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है आपको जैसे मैंने अभी कोई भी फॉर्म भरा था तो उसके साथ में उसको एक नोटिफिकेशन चला गया था। अब अगर आपको उसको डेली रिमाइंडर भेजना है तो वो कैसे भेजोगे, तो यहाँ पे जो है आपको डेली रिमाइंडर की सीट मिलेगी। इस डेली रिमाइंडर में यहाँ पे जो भी टास्क रहेगी वो यहाँ पे पेंडिंग आ जाएगी। तो अभी जो है मैं आपको एक मैनुअली जो है सेंड करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से जो है पेंडिंग टास्क जाएगी। तो यहाँ पे आपको जो है एवरी मॉर्निंग यहाँ पे स्टेटस आपको ब्लैंक मिलेंगे, और अपने ट्रिगर सेट कर देंगे कि आपको जो डेली रिमाइंडर है वो कितने बजे भेजना है, यानी कि आपको 9 से 10 के बीच में भेजना है, 10 से 11 के बीच में भेजना है। तो जिस भी डेट पे आप ट्रिगर लगाओगे उस ट्रिगर पे जो है वो टास्क जो है ऑटोमेटिकली पेंडिंग वाली सारी की सारी टास्क एक जगह कॉलेप होके और उसको चली जाएगी। तो अभी जो है मैं एक आपको डेमो दिखाता हूँ। यहाँ मैंने व्हाट्सएप पे क्लिक किया, यहाँ पे आपको काफी सारे फीचर मिलेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे मिलेगा अपडेट नेम इन फॉर्म, यानी कि आपका जो गूगल फॉर्म मैंने अभी आपको दिखाया जिसमें डोर के नाम थे, तो वो डोर के नाम जो है आपके सीट से जा रहे थे। यहाँ पे मैंने सीट बना रखी है, इस सीट से जो है वो डोर के नाम जा रहे थे। तो अगर आपको उसको ऑटोमेटिकली अपडेट करना है तो आप यहाँ इस पे क्लिक करके वो यहाँ पे आप नाम डालोगे सीट में, और वहाँ पे जो है फॉर्म के अंदर वो नाम ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगे। तो ये फर्स्ट फीचर था यहाँ पे व्हाट्सएप नोटिफिकेशन का, जो अभी मैंने फॉर्म भरते ही नोटिफिकेशन गया वो यहाँ पे सेकंड फीचर है। उसके बाद में डेली रिमाइंडर पे अपन देखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने स्टेटस ब्लैंक कर दिया, मैं डेली रिमाइंडर पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे कि आपके पास जो है इस तरीके से जो है एक टास्क की लिस्ट आ चुकी है। तो सुधीर की जो है मैंने टास्क भेजी है, आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने सुधीर की टास्क भेजी है। तो सुधीर की जितनी भी टास्क है वो सारी की सारी टास्क आपको यहाँ पे साथ मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो है उसकी 2 टास्क थी, तो दोनों की दोनों यहाँ पे आ गई है, और साथ में जो है उसको अपडेशन लिंक भी मिल गया है। वो यहाँ से जो है अपना काम जो है कम्प्लीट भी कर सकता है, और अगर उसको रिविजन डेट लेनी है तो रिविजन डेट भी ले सकता है। तो ये तो हो गया व्हाट्सएप का। व्हाट्सएप पे आप नोटिफिकेशन भेज सकते हो तुरंत, जैसे आपने फॉर्म भरा सामने वाले को नोटिफिकेशन चला गया तो आपके डोर को जो है इंस्टेंटली टास्क मिल गई।
वो टास्क जो है आपने प्रॉपर वे में भरी है, तो ऐसा भी नहीं है कि आपको जो है आपने कुछ और बोला और उसने कुछ और सुना और काम उसने कुछ और ही कर दिया, तो ऐसा भी नहीं होगा। आप जो उसको प्रॉपर टास्क दोगे वो उसको एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगी और साथ में जो है वो काम भी टाइम पे होगा, क्योंकि टारगेट डेट आपने उसको दी है न कि उसने आपको दी है। तो टारगेट डेट जो आपने दी है उस टारगेट डेट पे जरूर काम होगा। उसके बाद में जो है रिमाइंडर करने की आपको जरूरत है नहीं, क्योंकि व्हाट्सअप जो है वो ऑटोमेटिकली उसको डेली रिमाइंडर भेजेगा। अब उसके बाद में तीसरा फीचर क्या है, जैसे ही वो काम कंप्लीट होगा, जैसे कि यहाँ पे जो है काफी सारे काम है, मैं आपको एक काम डन करके दिखाता हूँ। तो जैसे ही वो डूअर जो है काम डन करेगा, तो उसको उसका जो नोटिफिकेशन है वो एमडी को भी आ जाएगा कि उसने जो है ये काम कंप्लीट किया है। तो एमडी को पता चल जाएगा कि अच्छा ये काम जो है कंप्लीट हो चुका। तो वो कैसे करेंगे, यहाँ पे अभी मैं जो है मैन्युअली सेंड करके आपको दिखाता हूँ, बाद में अपन इसका ट्रिगर लगा देंगे। तो जैसे ही वो फॉर्म सबमिट करेगा आपको जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा। जो है मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो ये जैसे मैंने डन किया, यहाँ एक मेरे पास मैसेज आ गया है। तो एमडी के पास जाएगा, हेलो सर, सुधीर कुमार ने अपनी टास्क कंप्लीट करी है, टास्क का आईडी ये है, ये कैटेगरी थी और ये टास्क का डिस्क्रिप्शन है, टारगेट डेट आपने ये दी थी, एक लीव जैकेट उसने लिया था और उसने अपना काम जो है वो कम्प्लीटेड कर दिया है। तो इस तरीके से जो है एमडी को जैसे ही कोई भी टास्क कम्प्लीट करेगा एक तुरंत एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, ताकि उसको उनको भी पता चले कि ये काम जो है मेरा हो चुका है। उसके बाद में ये जो है व्हाट्सएप वाला जो फीचर है वो पेड है। अब जो है मैं आपको टेलीग्राम का दिखाता हूँ, टेलीग्राम जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, टेलीग्राम का कोई चार्जेज नहीं है। तो टेलीग्राम पे भी जो है आप ऑटोमेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं एक टास्क आपको सेंड करके दिखाता हूँ। यहाँ पे जो है जैसे आप फॉर्म भरोगे तो साथ में टेलीग्राम पे भी एक नोटिफिकेशन चला जाएगा। अभी जो है मैं टेलीग्राम पे आपको मैनुअली यहाँ पे भेज के दिखा रहा हूँ। यहाँ जो है मैंने टेलीग्राम नोटिफाई पे क्लिक किया, तो है देखो मेरे पास एक मैसेज आ जाएगा टेलीग्राम पे, हेलो श्याम सुंदर, ये आपकी पेंडिंग टास्क है। और यहाँ से जो है श्याम सुंदर अपना काम यहाँ से डन भी कर सकता है। तो ये जो है टेलीग्राम से भी डन कर सकता है और व्हाट्सएप से भी डन कर सकता है। तो अगर आप व्हाट्सएप का फीचर नहीं लेना चाहते तो आप टेलीग्राम से भी ऑटोमेशन कर सकते हैं। साथ में जो है अगर आपको टेलीग्राम पे रिमाइंडर भेजना है तो व्हाट्सएप की तरह आप जो है टेलीग्राम पे भी रिमाइंडर भेज सकते हैं। तो यहाँ पे जो है आपको टेलीग्राम रिमाइंडर पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे जो है ईमेल भेजने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे जो है मैं ईमेल आईडी डाल देता हूँ। तो यहाँ पे जो है श्याम सुंदर की टास्क है, तो श्याम सुंदर के लिए मैं ईमेल आईडी यहाँ पे मैं ये कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे श्याम सुंदर के लिए यहाँ पे मैंने ये कॉपी पेस्ट कर दिया है। तो श्याम सुंदर की इस ईमेल आईडी को मैं भेजना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे जो है यहाँ पे एक सेंड मैं आपको भेज के दिखा देता हूँ। ये टास्क जो है श्याम सुंदर को मैं भेजना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे जो है यहाँ पे जाकर यहाँ पे ईमेल नोटिफाई पे क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा आप यहाँ देखोगे कि मेरे जो इनबॉक्स में है एक मेल आ चुकी है। तो यहाँ पे जो है मेरे पास एक मेल आ चुकी है, ये श्याम सुंदर की मेल आ चुकी है मेरे पास, और साथ में जो है क्लिक करके का बटन भी मेरे पास आ चुका है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके और उसका जो काम है वो डन भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जो है इस तरीके से तुरंत जो है ईमेल नोटिफिकेशन चला जाएगा, जैसे आप किसी को एक काम असाइन करोगे, साथ में जो है उसको डेली रिमाइंडर भी चला जाएगा। तो डेली रिमाइंडर अपन मॉर्निंग में जैसे ट्रिगर लगाएंगे उस मॉर्निंग में उनको जो है चला जाएगा। तो अभी मैं आपको एक बार मैनुअली सेंड करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ईमेल रिमाइंडर पे क्लिक कर दिया। अभी आप देखोगे कि मेरे पास जो है ईमेल आ चुकी होगी। तो यहाँ पे मेरे पास जो है ईमेल आ चुकी है, पेंडिंग डेलीगेशन टास्क लिस्ट, और यहाँ पे श्याम सुंदर की जितनी भी टास्क थी वो सारी की सारी जो है मर्ज होके आ जाएगी। तो अभी जो है मैंने श्याम सुंदर और नीतीश दोनों में मेरी ईमेल आईडी डाली है, इसलिए जो है दोनों की एक जगह आ गई है। बाकी आपको जो है हर डोर की जो है ईमेल आईडी यूनिक रखनी है, तो उसको जो है उसकी टास्क की जाएगी। तो यहाँ पे जो है मैंने अभी जो है दोनों में एक ईमेल आईडी डाल दी, इसलिए दोनों की टास्क जो है एक ईमेल आईडी पे मर्ज होकर चलेगी। आपको ये काम नहीं करना, आपको हर डोर को यूनिक ईमेल आईडी देनी है। तो अभी जो है मैं इसको एक बार डिलीट कर देता हूँ और आपको दोबारा से सेंड करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अभी जो है सिर्फ नीतीश की पेंडिंग है, तो मैं नीतीश की जो है आपको दोबारा सेंड करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे डन हो गया है। अब मैं आपको दोबारा से मेल आपको खोल के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे सिर्फ नीतीश नीतीश की जो है ईमेल आई है। तो यहाँ पे साथ में नीतीश को जो है क्लिक हियर का बटन भी मिल गया है, यहाँ से जो है वो अपना काम डन भी कर सकता है और अगर उसको रिविजन डेट लेनी है तो रिविजन डेट भी ले सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको काफी सारे फीचर मिले, आपको टेलीग्राम का ऑटोमेशन मिल गया, ईमेल ऑटोमेशन मिल गया है, व्हाट्सएप ऑटोमेशन मिल गया है और साथ में जो है डैशबोर्ड ऑटोमेशन भी मिल गया है।
यहाँ पे जो आपको टेम्पलेट मिलेगा, आपको जो व्हाट्सएप के अंदर और टेलीग्राम के अंदर जो भी आपको टेम्पलेट सेट करना है वो आप यहाँ पे टेम्पलेट सेट कर सकते हैं, कि जो से जैसे आप फॉर्म भरोगे तो क्या मैसेज जाना चाहिए, जब आप कंप्लीट करें तो क्या मैसेज आना चाहिए, वो यहाँ पे आप सेट कर सकते हो। साथ में सेटअप वाले शीट में आप यहाँ पे जो है व्हाट्सएप की प्रोडक्ट आईडी, टोकन और फोन आईडी यहाँ पे डालनी पड़ेगी, और व्हाट्सएप और जो टेलीग्राम के लिए बोट होगा तो बोट का टोकन आपको यहाँ पे डालना रहेगा। यहाँ पे आपको दो सीटें मिलेगी, यहाँ पे जो भी काम जो है वो आप असाइन करोगे उसका रेस्पॉन्स जो है यहाँ पे आप इकट्ठा होता जाएगा। अगर आपको उसमें कोई भी डेटाबेस में चेंज करना है तो आप इस शीट में आके नाम या कुछ भी टास्क में चेंजेस करना है वो यहाँ पे आप टास्क में चेंजेस कर सकते हो। यहाँ पे जो है जो भी रेस्पॉन्स आएगा, जो भी टास्क कंप्लीट होगी, पेंडिंग होगी, जो भी रिविजन डेट लेंगे, जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करेगा, वो सारे के सारे जो है वो यहाँ पे इकट्ठे होते जाएंगे। तो इस तो अब जो है आपको ट्रिगर कैसे सेट करना है तो उसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको एक्सटेंशन पे जाना है, यहाँ पे आपको ऐप स्क्रिप्ट खोल लेनी है। यहाँ पे ऐप स्क्रिप्ट खोलोगे तो यहाँ पे आपको जो है काफी सारे स्क्रिप्ट आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको जो है क्लॉक के सिंबल पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप जब क्लिक करोगे तो आपको काफी सारे जो है फंक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ जो है मैंने ऑलरेडी एक ट्रिगर सेट कर रखा है ऑन फॉर्म सबमिट का व्हाट्सएप नोटिफाई के लिए। तो इसी तरीके से आपको जो है अलग अलग ट्रिगर सेट करने हैं। तो आपको सबसे पहले यहाँ ऐड ट्रिगर पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो है आपको फंक्शन मिलेंगे तो आपको एक एक फंक्शन को चूज करना है। तो जैसे व्हाट्सएप नोटिफिकेशन का मैंने ऑलरेडी लगा रखा है, अब मेरे को वो तो लगाना नहीं है, अब मेरे को दूसरा लगाना है। तो आपको यहाँ देखोगे व्हाट्सएप डेली, तो ये व्हाट्सएप डेली वाला जो है ये डेली रिमाइंडर के लिए है, तो आपको इसको लगा देना है। यहाँ पे आपको जो है टाइम ड्राइवन सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे आपको डे टाइमर सेलेक्ट कर लेना है। अब आपको डे पे ये कितने बजे भेजना है तो यहाँ पे आपको जो है अलग अलग टाइम मिलेगा। आपको जैसे 9 से 10 के बीच भेजना है तो 9 से 10 आप सेलेक्ट कर लिए और आपने इसको जो है यहाँ से सेव कर दिया। तो ये जो है अब जो है 9 से 10 के बीच में जो है व्हाट्सएप ऑटोमेटिकली जाएगा, और ऑन फॉर्म सबमिट का मैंने ऑलरेडी लगा रखा है, तो जैसे ही फॉर्म भरेंगे वैसे ही नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो दो ट्रिगर मैंने लगा दिए, व्हाट्सएप नोटिफाई और व्हाट्सएप डेली। अब अपन तीसरा ट्रिगर लगाते हैं। तो तीसरे ट्रिगर के लिए जैसे आपको कंप्लीटेड वाला लगाना है तो आप व्हाट्सएप एफ कंप्लीटेड या व्हाट्सएप कंप्लीट दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर लो। तो मैंने व्हाट्सएप कंप्लीटेड वाला सिलेक्ट कर लिया। ये मेरे को कब चाहिए, ये मेरे को जब कोई फॉर्म भरे, जैसे ही फॉर्म भरे वैसे ही चाहिए। तो यहाँ पे जो है वो फॉर्म स्प्रेडशीट रहने दो और यहाँ पे जो है ऑन फॉर्म सबमिट कर दो और इसको सेव कर दो। तो जैसे ही जो है कोई टास्क जो है कंप्लीट करेगा तो यहाँ पे जो है आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो ये मैंने जो है तीसरे भी सेट कर दिया, मैं ईमेल के लिए सेट करूंगा। तो यहाँ फंक्शन जो है आपको ईमेल वाला देख लेना है। तो यहाँ पे जो है ईमेल डेली रिमाइंडर वाला है, तो आपको डेली ईमेल रिमाइंडर के लिए यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो है आपको टाइम ड्राइवन कर देना है, यहाँ पे आपको डे टाइमर कर देना है, यहाँ पे जो है आपको 9 से 10 के बीच के टाइम का यहाँ पे सेट कर देना है। तो ये जो है ईमेल के लिए हो गया, ईमेल डेली रिमाइंडर के लिए। आप ईमेल नोटिफाई के लिए, आपको यहाँ पे ईमेल नोटिफाई के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप यहाँ देखोगे ईमेल नोटिफाई वाला फंक्शंस, तो यहाँ पे ये रहा ईमेल नोटिफाई। ईमेल नोटिफाई पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे जो है आपको ऑन फॉर्म सबमिट कर देना है और यहाँ पे आपको सेव कर देना है। इसी तरीके से आपको टेलीग्राम का करना है, सेम कंसेप्ट यही रहेगा। ए ट्रिगर पे करना है, यहाँ पे आपको टेलीग्राम का फंक्शन देख लेना है। यहाँ पे टेलीग्राम नोटिफाई आ गया, यहाँ पे नोटिफाई कब होगा, जब भी कोई फॉर्म भरेगा तब नोटिफाई हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इसको सेव कर दो और अब जो है रिमाइंडर के लिए भी आप इसको नोटिफाई की जगह रिमाइंडर आप सिलेक्ट कर लो। तो आप यहाँ पे ये नोटिफाई वाला था, अब डेली जो है रिमाइंडर का देखोगे आप, तो ये टेलीग्राम रिमाइंडर वाला यहाँ पे आपको मिल गया। यहाँ पे आपको टाइम ड्राइवन कर दो, यहाँ पे आप जो है डे टाइमर कर दो और यहाँ पे जो है आप टाइम सेलेक्ट कर लो कितने बजे आपको भेजना है और इसको सेव कर दो। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पे जो है ये लगा सकते हो। आप एक जो है अपने फॉर्म को जो है ऑटो सबमिट करना है, तो उसके लिए आपको जो है ये जैसे आपका फॉर्म है इसमें आप किसी को भी टास्क असाइन करते हो तो उसमें जो है नाम ऑटोमेटिकली चले जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना रहेगा। तो पहले मैं आपको फॉर्म दिखा देता हूँ। तो ये जो है मेरा एडिटेबल फॉर्म है, यहाँ पे जो है ये जो नाम आ रहे हैं वो ऑटोमेटिकली आ रहे हैं सीट से। तो अभी मैं इसको मान लो मैंने यहाँ पे इसको डिलीट कर दिया, अब इसको ऑटोमेटिकली अपडेट करना है। तो यहाँ पे जो है मैंने ऑलरेडी एक फंक्शन आपको दे रखा है ऑटो ऑटोमेटिकली नाम पिक करने का यहाँ पे, तो उसका भी जो है आपको ट्रिगर लगा देना है। तो यहाँ पे ए टाइमर कर देना है और यहाँ पे जो है आपको फॉर्म रेंजर के नाम से मिल जाएगा। तो ये फॉर्म रेंजर है, इसको आपको जो है मिनट टाइमर या
5 मिनट के टाइम पे आप लगा सकते हो, तो यहाँ पे टाइम ड्राइव कर देना है, यहाँ पे आपको मिनट टाइमर कर देना है, या हर मिनट चलाना चाहते हो या 5 मिनट चलाना चाहते हो वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, इसको सेव कर दो। तो जैसे ही हर 5 मिनट पे ट्रिगर चलेगा तो आपके सीट से जो है नाम ऑटोमेटिकली उठ के इसमें ऑटोमेटिकली सेव हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो है नया नाम आएगा तो ऑटोमेटिकली जुड़ जाएगा, कोई पुराना कोई अगर डिलीट हो गया है तो वो भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऑटो अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है इस तरीके से आपको ट्रिगर लगाना है। अब जो है यहाँ पे इसको मैं मैन्युअली करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो है अपडेट नेम इन फॉर्म मैंने किया, तो यहाँ पे आप देखोगे कि ऑटोमेटिकली जो नाम है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ चुके हैं, जो भी सीट में नाम थे। तो अब जो है आपको अगर ये डैशबोर्ड जो है सारे लिंक मैंने यहाँ पे निकाल रखे हैं, अगर आपको इस तरीके का डैशबोर्ड जो है एक नए डोर का बनाना है तो वो आप कैसे बना सकते हो, तो यहाँ पे जो एक रामचंद नाम का एक बंदा मैंने यहाँ पे डाला है। अब आपको इसका डैशबोर्ड बनाना है तो यहाँ पे जो है मैंने डैशबोर्ड, जैसे ये सुधीर का डैशबोर्ड मैंने बना रखा है, अब इस सुधीर का डैशबोर्ड की तरह ही आपको दूसरे डोर का डैशबोर्ड बनाना है तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको मैके के कॉपी करना है, और जब आप मैके के कॉपी करोगे तो आपको कॉपी रिपोर्ट कर देना है। तो आप यहाँ देखोगे अभी जो है सुधीर जो है उसके डैशबोर्ड की कॉपी बन चुकी है। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको रामचंद्र का नाम यहाँ से कॉपी करना है, और आपको यहाँ पे जो है जहाँ पे भी सुधीर है वहां पे रामचंद्र कर देना है। और यहाँ पे आप टेबल पे क्लिक करोगे तो टेबल पे क्लिक करते ही आपको इधर दिखेंगे, यहाँ पे लास्ट में एक फिल्टर दिखेगा, इस आपको फिल्टर पे क्लिक करना है, और यहाँ पे जो है जहाँ पे भी सुधीर का नाम आ रहा है आपको वहां पे जो है सुधीर की जगह सिर्फ आपको इसका नाम रामचंद्र का नाम कर देना है, और आपको सेव कर देना। तो इस तरीके से आप देखोगे कि अभी उसकी जो है कोई भी टास्क है नहीं, अभी यहाँ पे जो है रह गए हैं। तो यहाँ पे आपको बटन पे क्लिक करना है, यहाँ पे आप जाके यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ पे जो है इसकी जगह रामचंद्र कर देना है। इसी तरीके से दूसरे बटन पे आपको क्लिक करना है, और जहाँ पे भी जो है नाम जो है सुधीर का है वहां पे रामचंद्र कर देना है। तो हर बटन पे आपको यहाँ पे अलग अलग जो है फिल्टर लगे हुए हैं, आपको यहाँ पे नाम चेंज कर देने हैं, बस आपको फिल्टर में जाके नाम चेंज करने हैं, और नया जो डैशबोर्ड है वो ऑटोमेटिकली जो है बन जाएगा। तो यहाँ जो है मैंने हर जगह नाम चेंज कर दिए हैं। अब ड्रॉप डाउन में भी आप देख लो कि ड्रॉप डाउन में भी कोई नाम जो है वो रह गया क्या। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे हर जगह जो है रामचंद्र हो गया है। आप इस पे क्लिक करोगे चार्ट पे तो यहाँ पे भी आप देखोगे कि यहाँ पे भी जो है रामचंद्र हो चुका है। तो इस तरीके से हर जगह रामचंद्र हो गया है, बस आपको अब क्या करना है, ये यूआरएल कॉपी करना है और आपको ये यूआरएल यहाँ पे डाल देना है। ये जो है रामचंद्र का डैशबोर्ड बन चुका है। अब आप इसको जो है शेयर कर सकते हो। शेयर आप दो तरीके से कर सकते हो, एक तो यहाँ पे शेयर करके आप यहाँ से जो है किसी भी स्पेसिफिक ईमेल आईडी पे यहाँ पे आप यहाँ पे किसी भी स्पेसिफिक ईमेल आईडी पे यहाँ पे व्यू की परमिशन दे सकते हो। दूसरा जो है आप इसको एनीवन विद द लिंक करके पब्लिक करके और इसका जो यूआरएल है ये आप इसको दे दोगे तो ये जो है किसी भी ईमेल आईडी पे चलेगा। इस तरीके से आप दोनों जो है आपके पास यहाँ पे दोनों टूल है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करे। धन्यवाद दोस्तों।